दोस्तों आज है सारा का जन्मदिन और आज हम मनाएंगे जन्मदिन, एंजॉय करेंगे, आप लोग भी पूरा एंजॉय करने वाले हैं। जल्दी तैयार हो जा, और भी जन्मदिन शुरू होने वाला है। मिलन बन गया नाई यहाँ पर, क्या हो गया मिलन, नई जॉब ढूंढ ली, बटन तो ऑन कर दे भाई, बिना बटन ऑन ही नहीं। और शिवाली घुसी हुई है रसोई में, लगी हुई है तैयारी पे पूड़ी निकाली जा रही है। अब जन्मदिन मनाएंगे आज हम, और ये आ चुके हैं पहले हमारे खास मेहमान। अगला वाला घर है अगला वाला घर है नमस्ते आंटी जी, और ठीक हो? ओए क्या है, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, वो एटीएम आता है, इसी बहाने आंटी जी आप आए हमारे घर, है ना? है ना, से ली थी, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बस वो फिर काम वाली आई हुई थी, फिर वो काम को मैं उठा लेती, फिर इसको तैयार करने में मुझे पता है, फिर वहां बात भी आई है, इसी बहाने आंटी भी आए थे। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, क्या नाम है? वैष्णवी। आपका नाम? पायल। पहल। अच्छा, और आपका नाम? मम्मी तो बहुत मार के पढ़ाती है ना सारा, है ना? मेरा खास स्कूल में संतोष रावत। और कैसे? बढ़िया कितने? सेवन से। और आंटी ठीक है तबीयत आपकी? बस ठीक है। अंकल जी आप ठीक हो? क्लास। पापा ठीक है? बढ़िया। यार कितनी बड़ी होगी बेटी, है ना? क्या नाम है? ये दिया। दिया कौन सी क्लास में? शी इज इन नाइन्थ। मिलन के साथ? एंड ही इज इन फोर्थ। ये जब छोटा सा आया था मैं ना, पहचान लिया, उर्वी। हाँ, छोटी सी होती थी ना, अभी छोटे छोटे देखे थे। अब हो चुके हैं यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे, और देखो सारा भी, सारा उधर जाओ ना, आप इंट्रोड्यूस कराएगा। ये है मिलन, ये संदीप का बेटा है, ये है दिया, शी इज माई डॉटर, ठीक है, इज माई सन,
हमारे बंदे ना मिलन सारा को जानते हैं। मैंने इसका डांस देखा, आज मैंने डांस देखना है इसका, डांस देखना है, ये डांस बहुत अच्छा है। और दूसरी बात देखो, ये शी इज 9th क्लास, ही इज आल्सो 9th क्लास ना, 9th, और हम दोनों, मैं संदीप साथ में है सिंस 1995, मतलब हम जब 7th में थे, जब हम दोनों 7th में थे तब से हम साथ हैं, और आज हमारे बच्चे 9th में हो गए हैं। और तुम हमसे, जब हम तब से दोस्त हैं, तुम 9th में, 7th में थे तब से, सिंस 1995, तब से दोस्ती ऐसी चल रही है हमारी। 95 से जब हम 7th में थे ना, एक ही बेंच रोल नंबर आगे पीछे, 8th में एक ही बेंच रोल नंबर आगे पीछे, 9th में अगर आगे पीछे बैठते रोल नंबर आगे पीछे, इवन 10th में, 11th में, 12th में, और अगर बाई चांस मान ले रोल नंबर आगे पीछे हो गए, सीट साथ रखते थे, याद है? टीचर भी परेशान हो जाते थे। एक बार मेरी चौथी बैठ लगी, 10th में बैठ, 11th 10th में बैठ लगी कि इंग्लिश में कौन ज्यादा मार्क्स लेगा, एंड ही गॉट मोर देन मी, है ना, याद है? फिर 12th में लगी कि अब कौन लेगा, अगेन ही गॉट मोर देन मी। और एक चीज और है, मैं डिस्क्लोज करता हूँ अपना राज, जो हम पकड़े गए थे पार्क में, बता दूं, आज मैं सबको बताया था, ये सब ब्लॉग देखेंगे ना उनको पता लग जाएगा, मैं और चाचू हमने डिसाइडेड किया फिल्म देखने जाएंगे स्कूल बंद करके, ठीक है? हमने क्या किया, अपना बैग उठाया, संदीप, मैं, राजेश और मुनीश, हम चार, हम स्कूल बंद करके चले गए, हम पार्क में गए, हमें वहां पे अंकल ने पकड़ लिया, तो पूछा मेरे को, पकड़ा को पकड़ा, हमें ले गया प्रिंसिपल के पास, उसके बाद हम तो पापा को बुला लिया, ये भी अंकल को ले लिया, मेरे पापा के दिन आए, और स्टेज हमारा नाम अनाउंस हुआ, मशहूर हो गए थे, हाँ मशहूर हो गए थे, ये चार लड़के हमारा नाम अनाउंस किया गया, और हमारे प्रांगण से भाग गए, हमारे प्रांगण से भाग गए, और हम पकड़े गए थे, सर हमारे कैसे बोलते थे, प्रांगण प्रांगण थे हमारे, प्रांगण मस्ती भी पूरी करते थे, पर पढ़ते भी पूरा थे, एंजॉय करते थे, और ये क्रिकेट चैंपियन था, ये वो स्कूल क्रिकेट टीम, हम अब तक खेलते थे, अभी तो हमारे एक फ्रेंड अभी आया नहीं है नरेंद्र, बस टच में कुछ टाइम से तैयार हो गया, वो हमारी टीम खेलना छोड़ दिया उसने, अभी के रमन ने, रमन अगर ये वीडियो देखेगा तो भाई एक गेट टुगेदर करो, दोबारा मिलो, स्कूल टाइम से साथ आ रहा हूँ, नित्यानंद, दीपक, हम सब, नरेंद्र क्या मतलब अलग ही लेवल, एकदम प्रोफेशनल लेवल बनाता ड्राइंग, और मैजिशियन भी है भाई ये, वीडियो देखिए, ये मैजिशियन भी है, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर सारा, आपका डांस देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, तेरे उसमें प्रोफाइल में था, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने देखा, मैंने शिवाली को भी दिखाया था, मैंने संतोष की बेटी है डांस कर रही, कहती डांस कितना बढ़िया गया, वो चीजें मिस नहीं करता, कहीं पे अलमीरा दिखा भाई, ये पढ़ने जाता था तब से अलमीरा है, ये और एक सोफे होंगे जरूर, इधर ये भगवान से ही बड़े हैं, ये भगवान से ही बड़े हैं, ये कम से कम 7th क्लास तक के सोफे में देख रहा हूं, 15-20 साल हो गए, ज्यादा ही होता है, अभी ये इससे पहचान जाएगा ना, ये सोफे ये मेरे पापा तो आपसे कम से कम 5 साल छोटे हैं, तो उनकी तबीयत काफी डाउन रहती है, अंकल बिल्कुल वैसे के वैसे ही है ना, बिल्कुल फिट एंड फाइन, वैसे के वैसे ही है, वैसे 70+ हो गए अंकल जी, 70+ हो गए, 75+ बहुत सुंदर बनाया तूने यार, ये अकेला बैठे ना, रात को बैठता है और सूर्य पेंटिंग बना के दे जाता है, नहीं बहुत अच्छा बनाया है, देखिए देखते ही बनती है पेंटिंग, ये देखा ना सफाई कितनी है,
इनको सेफ रख बेटे, बहुत अच्छा है। तो ना कुछ कुछ ना कुछ यूट्यूब पर सर्च कर, कुछ ना कुछ अपना ना इसमें कर, ठीक है। इसमें क्या है कि जिस जो होता क्या है, देखो ये मानने वाली बात है, जो इंटरेस्ट बैठता है एकदम ही, है ना। जो ये तेरे पापा का ही कहना है, जो इंसान की जो हॉबी होती है ना, अगर वही उसे अपना प्रोफेशन बना लेना, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। क्यों संदीप? सही बात है, बिल्कुल। और अगर तेरी हॉबी कहीं कुछ तू अच्छा कर जाएगा, तो बहुत अच्छी तूने बनाई है। देखो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं संदीप हम सेवंथ में मिले थे, और ये भाई साहब ये हमारे एक और फ्रेंड, टू टाइम फ्रेंड नरेंद्र, हमारे हमारे अकाउंटेंट, ये हमारे अकाउंटेंट है, अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी चीज है, इन्फॉर्मेशन। अब ये बड़े बाल उड़ चुके हैं इसके, थोड़ा बुजुर्ग लग रहा है तेरे को, देख के लग रहा होगा पापा के साथ नहीं पढ़ सकते, पापा के सीनियर होंगे ना, नहीं मैं जूनियर लग रहा हूँ ना, जूनियर, बट हम साथ थे, ठीक है। अपनी तारीफ खुद नहीं करता रहता बैठे बैठे, इसके नकली बाल है इसके, बालों का मामला बहुत ईजी है, एक बाल ही ठीक है, बाल बाल ठीक है, बस भगवान का दिया सब है, पर पैसे नहीं है और बाल हैं, बाकी सब है। एक वो बांगडू बांगडू करते हैं। अब हम करते हैं खाना शुरू। खाना बड़ा जबरदस्त था दोस्तों, खाने की जमकर तारीफ हुई, और खाना खाने के बाद जो हंगामा हुआ वो आप कल देखिएगा।